नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम बताने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि हमको दिया गया है प्रश्न में टेन थीटा बराबर 3/4 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो देखिए यहां पर हम जानते दिया गया, यहां पे लिख दीजिएगा, दिया गया है क्या दिया गया आपको, टेन थीटा बराबर 3/4। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोश थीटा, ये होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे सूत्र। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, ये इसके इसके बदले के इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम टेन थीटा के बदले में ये साइन थीटा बटे कोश थीटा लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कोश थीटा बराबर 3/4 लिख दिए। अब ये साइन थीटा का बराबर जो है कि 3 हो जाएगा और ये कोश थीटा के बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे यानी मान रखेंगे, तो डायरेक्ट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा उतार लिए। अब देखिए ये साइन का मान कितना है 3, तो यहां पर हम ऐसे या का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद फिर या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, ये गुना में है तो गुना साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या है माइनस, माइनस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर कोश थीटा का मान कितना है 4, तो गुना दे करके 4 लिख देंगे। फिर बटे में आप लिख सकते हैं 5 दिया गया है नीचे में, फिर साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, उसके बाद फिर कोस थीटा का मान कितना है 4 है और यह दिया गया है 3 × 4, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और −4 × 3 = 12 बटे ये हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15 प्लस 4 × 3 = 12। अब देखिए इधर हम आ रहे हैं ऊपर, तो यहां पर आपका 15 में 12 गया तो कितना बच गया 3, और फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहां पे 27 लिख दिए। उसके बाद अब ये कट जाएगा तो आपका ये कट गया 3 × 3 = 9 × 27, यानी कि यहाँ 1 बार में और ये 9 बार में कट गया, तो आपका आ गया 1/9, ये आपका जो है कि आंसर हो गया 1/9 इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 + cot² a / 1 + tan² a = cot a होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहां पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 + cot² a / 1 + tan² a। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 + cot² a का मान कितना होता है, तो cosec होता है, क्या होता है cosec² a हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 + tan² a का मान कितना होता है
आप सभी जानते होंगे कि sec स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, cosec को तोड़ेंगे तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे sin स्क्वायर a और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका sec का हो जाएगा cos, sec का क्या हो जाएगा cos, सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या cos स्क्वायर a। अब क्या करेंगे इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भागम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे, एक बटे साइन स्क्वायर ए गुना और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे एक। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है कोट, यानी कि कोट होता है तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका आर एच एस सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया, आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए, तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीन नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए इस पर मान बैठा करके, यानी कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, तो चलेंगे इधर से तो एलएचएस से, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा आपका 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहां पे लिख दीजिए आप दिया गया है यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहां पर रखिए तब तो 4 cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए तो इसका आप देखिए, अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 ना है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3, तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, यानी कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहां से कट जाएगा, तो इसको यहां से आप कटा दीजिए 2 बार में, अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, एक बार में 3√3 माइनस 3 यहां पे 3√3, तो आपका क्या हो जाएगा इधर
यानी कि 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहां से आप एरो का चिन्ह लगाना नहीं भूलें।